हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, परिवहन मंत्री महोदय हैं, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, और ये पहली बस अब रवाना होगी। प्लीज हट जाइए सामने से। आप सबका उत्साह दिल्ली के इस बनते हुए नए इतिहास को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए बहुत ही अविस्मरणीय। देखिए पहली बस, जोरदार तालियां, हमारी आज की पहली बस। ऐसा नहीं है दिल्ली में पहली बस, लेकिन आज के इस कार्यक्रम की पहली बस रवाना हो रही है, और ये प्रयास है दिल्ली सरकार के, हमारी इन बसेस के माध्यम से दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने के। इन बसों का अपना एक अलग, आप कह सकते हैं, सुविधाओं से भरा हुआ सफर होगा। 12 मीटर लंबी लो फ्लोर बस है, शून्य प्रदूषण, जीपीएस, लाइव ट्रैक सिस्टम, जो आप चाहते हैं सार्वजनिक परिवहन में जो होना चाहिए वो सब यहाँ है। आप इन बसेस को देख सकते हैं, सुंदर सजी बसें, महिलाओं की गुलाबी रंग की सीट लगाई गई हैं, दिव्यांगजनों के लिए बस में नीलिंग रैंप बने हैं ताकि वो सुविधा से बस के अंदर आ सकें। और ये बस आपके सम्मुख दिल्ली की बनती हुई नई कहानी और दिल्ली की प्रदूषण रहित कहानी को ये बसें सजीव हम सब के बीच करने जा रही हैं। आप सब शामिल हैं। अब तीसरी बस जो लगातार तीव्र मुद्रिका पर उपलब्ध होगी, और आज आपके सामने ये बसेस आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सबको हरी झंडी, दिल्ली की जनता की सेवा के लिए एक नया, आप कह सकते हैं, कदम, जहां दिल्ली के लिए ये सेवा बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो, दिल्ली वालों के लिए ये सेवा सुख लेकर आए, आराम लेकर आए और सुरक्षित यात्रा। इन बसेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि दिल्ली की ज्यादा से ज्यादा जगह और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा ये बस कर सके। बसेस लगातार आ रही हैं। मेरा मीडिया के हमारे साथियों से और अन्य लोग जो हैं, अनुरोध, कृपया ध्यान रखें, बसेस को आप आने दें और इन बसेस को हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा पर आज से अभी से ये अपने अपने रूट पर चली जाएंगी और जनता की सेवा के लिए ये बसें उपलब्ध रहेंगी। तो एक बार पुनः आप सब का अनुरोध, अब सर खुद इस बस में सवाल रखिएगा। अरे सर पहले चलो जेब में रख लूं क्या? और अब हम लोग इस बस में, आप देख सकते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बस में हैं, साथ ही दिल्ली के परिवहन मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय इस समय बस में। ये बस यात्रा करेगी आज से, इलेक्ट्रिक बसेस, साथ में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट इस बस में यात्रा कर रहे हैं। ये बस दिल्ली की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी। यहाँ से खुद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय देख रहे हैं, इस बस की यात्रा कर रहे हैं, और वो खुद देखना चाहते हैं इस बस का कंफर्ट, इस बस का आरामदायक सफर दिल्ली की जनता किस प्रकार कर पाएगी, इसी चीज को देख रहे हैं। सभी बसेस यहाँ, एसी बस आप देख सकते हैं, 12 मीटर लंबी फ्लोर एसी बसें हैं, सभी प्रदूषण रहित बसें हैं, जीपीएस और लाइव ट्रैक सिस्टम के साथ इस प्रणाली से सुसज्जित बसें। सभी लोग इस समय
आप देख रहे हैं मीडिया और अन्य लोग लगातार अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं, इस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं और बड़े इत्मीनान से बहुत ही संतोष के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस बस की यात्रा कर रहे हैं। साथ में दिल्ली के परिवहन मंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय और अन्य अधिकारीगण, हमारे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, बस धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे और लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई। बस में परिवहन मंत्री महोदय से समझ रहे हैं बस की सारी तकनीक और किस किस तरह से इन बस को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं दिल्ली में, इन सब बातों को समझ रहे हैं और बहुत सारे वार्तालाप करते हुए अपना संतोष व्यक्त कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। दिल्ली सरकार का ये अपना एक अलग प्रयास, दिल्ली के बनने का, दिल्ली के इस स्वर्णिम यात्रा जिस पर आज अभी अगला कब आ रही है? आज 150 है। Next month balance will come, sir. Total 1,500 और आ रही है। Sir, that is the next order which we are giving. We'll bring it to the cabinet and DTC board has approved. वो एक साल के अंदर अंदर उसकी है। लगभग एक साल में 1,500 और है। Yes, sir. 1,500 plus है, plus cluster की 330 है, sir. तो सारी 2,000 है। 2,000 within 1 year. 1,500 तो एल्बम आ गया। तो 1,500 तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये बस अपनी यात्रा पर और रिंग रोड पर हम लोग राजघाट की ओर बढ़ रही है। बस बहुत ही बिना आवाज़ के आप देख रहे हैं बस को, आवाज़ नहीं है, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है और धीरे धीरे बस अपनी यात्रा कर रही है। सभी लोग बड़े प्रसन्न इस समय आप देख रहे हैं, बिल्कुल विकास मीनार के सामने से जाती हुई बस आईटीओ की तरफ पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से घूमकर बसें यात्रा करेंगी और आज हम सब इस अपनी पहली यात्रा में, जब दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक बसेस लगाई गई हैं और ये 150 नई बसें आज दिल्ली की इन सड़कों को नापने के लिए, दिल्ली की जनता को कुछ बेहतर आराम देने के लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आईटीओ का व्यस्ततम चौराहा और यहाँ आप देख सकते हैं बाहर गर्मी है लेकिन बस के अंदर का एसी बहुत ही आरामदायक सभी के लिए। सभी लोग इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं और प्रसन्न भी हैं। इस समय ये बस आईटीओ से गुजरती हुई, आईटीओ के दोनों तरफ सरकारी जो भवन हैं, सरकारी बिल्डिंग हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ से गुजरती हुई बस हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। प्रदूषण रहित यात्रा और दिल्ली एक बेहतर कल के लिए, आज का बेहतर आज को परिभाषित कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस बस में यात्रा कर रहे हैं हम सबके साथ। आने वाला समय दिल्ली के आम जनता के कंफर्ट के लिए जाना जाएगा। दिल्ली की ये बसें, लो फ्लोर बसेस, 3 डिपो भी आज उद्घाटन हुए, उनका अनावरण किया गया, जिनमें मुंडेला कला, राजघाट और रोहिणी सेक्टर 37। इस तरह से ये आप देख सकते हैं इस समय मुख्यमंत्री महोदय खुद सेल्फी ले रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा अवसर आप देख सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय परिवहन मंत्री महोदय के साथ सेल्फी ले रहे हैं बस में, इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हुए अपने इन अनुभवों को साझा करेंगे जाकर मीडिया के साथ। आईटीओ का ये वो चौराहा जो अपने आप में व्यस्ततम चौराहा माना जाता है, दिल्ली की जनता
बाहर स्टैंड के मुख्यमंत्री जी को देख रही है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बढ़ रहे हैं और सभी लोग इस आनंद को महसूस कर रहे हैं। लगातार बढ़ते हुए इस बस यात्रा में हम सब राजघाट डिपो पहुंचेंगे और वहां से हम इस मीडिया को सर ब्रीफ करेंगे, उन्हें वो आगे की जानकारी अपनी योजनाओं के बारे में, दिल्ली सरकार के बारे में बताएंगे। यहां हम लोग इस समय यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हुए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल सामने से। और अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की पहचान बन गई हैं। दूसरी इलेक्ट्रिक बस अभी जो रूट पर आई है तीव्र मुद्रिका के लिए रवाना हुई है और इसी तरह से आने वाले समय में दिल्ली की बसेस का रंग आप देखेंगे, एक नया रंग, नया कलेवर, बिल्कुल प्रदूषण रहित दिल्ली। और ये अवसर होगा दिल्ली की जनता, यहाँ बस स्टैंड एक्सप्रेस बिल्डिंग का बस स्टैंड, ये यहाँ से हम गुजर रहे हैं, एक्सप्रेस बिल्डिंग का आपने देखा ये बस स्टैंड। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं अब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज MAMC की तरफ। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से होते हुए अब हम दिल्ली गेट की ओर, तो देख सकते हैं कोई किसी तरह का शोर नहीं है, बहुत ही शानदार। अगर AC की बात करें तो वो भी बहुत शानदार, साथ ही सारी जो आप देख सकते हैं सुविधाएं लगाई गई हैं वो भी बहुत बेहतरीन सुविधाएं, दिल्ली की जनता को बेहतर आरामदायक सफ़र सुनिश्चित करने के लिए। आज खुद मुख्यमंत्री महोदय यात्रा कर रहे हैं इस बस में, दिल्ली गेट का बस स्टैंड, लोग हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। और यहाँ हम लोग इस दिल्ली गेट की रेड लाइट पर, यहाँ से एक रास्ता जाता है जो दिल्ली गेट की ये रेड लाइट, और यहाँ से हम लोग अब राजघाट की ओर मुड़ेंगे, इसके दूसरी तरफ रामलीला मैदान और जयप्रकाश हॉस्पिटल का ये रास्ता, और यहाँ से हम सीधे हाथ पर मुड़े हैं। और यहाँ एक बार पुनः हम सब तैयार हैं इस नई यात्रा के लिए जो दिल्ली को सुखमय देगी, सुख और सुरक्षित यात्रा के लिए। यहाँ से आप देख रहे हैं बस लगातार बढ़ती हुई, मीडिया भी आप लगातार देख रहे हैं गाड़ी को देखती हुई, गाड़ी का लगातार ये बस को कवर कर रहे हैं, सब लोग उत्साहित दिल्ली की इस नई यात्रा को लेकर। दिल्ली परिवहन निगम, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय, दिल्ली के कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और अन्य अधिकारीगण इस यात्रा में, इस बस में मौजूद। और ये बहुत ही सुरक्षित यात्रा, बहुत ही सफल, उधर जनता भी हाथ उठाकर अभिवादन कर रही है, सभी लोग खुश हैं और लगातार इस बस यात्रा को अविस्मरणीय बना रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय बातचीत कर रहे हैं और बेहतर किस तरह से दिल्ली परिवहन निगम को और दिल्ली परिवहन निगम के प्रयासों को किया जा सकता है, इस पर चर्चा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बात कर रहे हैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से, परिवहन मंत्री महोदय से, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से, और उनकी बातचीत दिल्ली के आने वाले कल को और बेहतर और सुरक्षित बनाने की तैयारी में, दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने की तैयारी में। और अब राजघाट, जी हाँ, ये वो स्थान जहाँ हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, और राष्ट्रपिता समाधि के पास से गुजरते हुए दिल्ली के इस सफर को और बेहतरीन हम लोग बना रहे हैं। यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने बापू की समाधि की ओर देखा और उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं इस यात्रा को लेकर दिल्ली के उस डिपो को, जिसे आज हम लोग एक नई पहचान देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिपो राजघाट।
और यहाँ से ये बस अपनी यात्रा कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय और साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय और साथ दिल्ली के कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, तो ये 150 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की जो आज एक नई यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं। दिल्ली की इस बस यात्रा को खुद मुख्यमंत्री महोदय ने देखा। ये राजघाट का बस स्टैंड, राजघाट का बस स्टैंड और यहाँ से किसान घाट के सामने से हम लोग गुजरते हुए अब लगातार ये यात्रा जारी है संघर्ष स्थल के सामने से गुजरते हुए और यहाँ से हम लोग अब आगे पहुँचेंगे नया डिपो और राजघाट डिपो पर पहुँचकर मीडिया से भी संबोधित होंगे, मुखातिब होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। हिमाद्री इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन यूनिट का ये ऑफिस और यहाँ से हम लोग राजघाट पावर हाउस से होते हुए राजघाट डिपो पहुँचेंगे। तो अब से कुछ ही क्षणों में हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार चिंतित हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर और इन बसों के माध्यम से प्रदूषण पर एक बहुत ही प्रभावी हमला किया जा रहा है उसे खत्म करने का। यहाँ से ये बस अब अपने डिपो की यात्रा कर रही है और यहाँ ये नया डिपो, जी हाँ, राजघाट डिपो जहाँ आपको मिलेंगी देखने को इन बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था, इन बसेस का मेंटेनेंस और यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पूरा आप कह सकते हैं रखरखाव के लिए इन बसों को यहाँ आना है। तो ये डिपो एक बड़ी जगह है राजघाट डिपो। तीन नए डिपो मुंडेला कला, रोहिणी सेक्टर, राजघाट डिपो। राजघाट डिपो एक बड़ा डिपो आने वाले समय में दिल्ली में होगा और इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। यहां चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं बसों की संख्या के अनुरूप और इसी के साथ यहां पर इन बसेस के मेंटेनेंस की व्यवस्था भी होगी, इन बसों के